आपको भी तेजाब की प्रॉब्लम रहती है, आपके भी खट्टे खट्टे डकार आते हैं या आपको खाने को मन नहीं करता है, आपको भी खाली पेट कैप्सूल लेना पड़ता है, तो उन सब प्रॉब्लम का हो जाने वाला सोल्यूशन तो आज हमने बनाया है घर पे ही एक आयुर्वेदिक नुस्खा जो कि हम सालों से यूज करते आ रहे हैं। तो इस तरह से ये नुस्खा है बहुत ही सस्ता, 250 रुपए में बन के तैयार हो जाएगा, जो 2 महीने तक आपका एक फैमिली का, जो एक फैमिली मेंबर का चलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इस नुस्खे को कैसे बनाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं, वो भी आप वीडियो में पूरा बने रहें तो देखेंगे कि किस तरह से इसके फायदे हैं और कैसे कैसे आपकी अंग्रेजी दवाइयों से पीछा छूट जाने वाला है। तो चलिए इस चूर्ण को, स्वादिष्ट से चूर्ण को बनाना शुरू करते हैं। आज आपके साथ एक ऐसा चूर्ण मैं उसकी रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपको जैसे एसिड वगैरह बनता है, हम खाली पेट ही डीएसआर का कैप्सूल लेते हैं, तो उससे निजात पाने के लिए हमने ये चूर्ण है वो घर पे तैयार करना है। बिल्कुल आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी जो सामग्री है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो डालनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल लेना है अनारदाना। अनारदाना हमने लेना है 50 ग्राम, बिल्कुल ऐसा होता है ये अनारदाना, सूखा हुआ अनारदाना। उसके बाद मगा आती है जिसको हम पीपली भी बोलते हैं, तो ये इस तरह से लंबी होती है, तो ये भी 50 ग्राम ले लेनी है हमने। उसके बाद हमने छोटी हरड़, जैसे जंग हरड़ होती है छोटी हरड़, वो भी हमने 50 ग्राम ले लेनी है। तीनों चीजें हमने 50-50 ग्राम लेनी है। उसके बाद आती है वावड़ी, दिखने में ही बिल्कुल काली मिर्च जैसी लगती है लेकिन ये वावड़िंग है, वाइबड़िंग भी इसको बोल देते हैं, पंसारी की दुकान से इजीली ये मिल जाता है। तो ये हमने फ्रेंड्स 20 ग्राम ले लेनी है। इसके बाद आता है पिपलामेंट, तो पिपलामेंट हमने 5 ग्राम ले लेना है, तो इसके कारण है जो इसका स्वाद है वो दुगना हो जाता है, तो पिपलामेंट हमने 5 ग्राम लेना है। उसके बाद आ जाता है निशादर, इसको ठीकरी निशादर भी बोला जाता है, तो इस तरह से ये एक फिटकरी के जैसे ये दिखता है लेकिन ये निशादर है, तो ये हमने 20 ग्राम ले लेना है, तो इसको भी हमने ले लिया। उसके बाद हमने 20 ग्राम ही छोटी जो सूखी हुई अदरक होती है जिसे हम सौंठ भी बोल देते हैं, वो हमने पिसी हुई नहीं लेनी है बल्कि इस फॉर्म में हमने लेनी है। तो इसी के साथ एक चीज इसमें मिसिंग है, वो है लौंग, तो वो भी जब मैं इसका चूर्ण तैयार करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये चूर्ण है बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 6 या 7 चीजें इसमें लगती हैं, बहुत ही इजीली से बन जाता है ये चूर्ण और आपका जो कैप्सूल खाते हो वो आपका छूट जाएगा और आपकी जो गैस की तेजाब की कोई भी प्रॉब्लम है पेट की वो ठीक हो जाने वाली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस को मैंने कर लिया है ऑन, इस पे रख दी है कढ़ाई, तो कढ़ाई को हल्का सा हमने गर्म कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अनारदाना, पचास ग्राम हमने अनारदाना लिया है, तो इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि ये क्रंची हो जाए और पीसने में आसानी हो जाए इस तरह। इसको ज्यादा रोस्ट हमने नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसको रोस्ट करना है। अब इसको हमने कटोरी में निकाल लेना है। इसके बाद पीपली ले लेनी है हमने, इसको भी हल्का सा रोस्ट करना है। बहुत ही बेहतरीन सा नुस्खा ये बनके तैयार होने वाला है, बहुत सालों से हम इसको यूज कर रहे हैं, तो कोई भी डीएसआर का कैप्सूल है वो आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। इसी के साथ हमने जो वाइब्रिंग ली है उसको भी हमने इसी तरह से हल्का सा सेक लेना है। साथ ही हम डाल देंगे सौंठ जो हमने 20 ग्राम ली है। इसी के साथ 10 ग्राम हमने लौंग ले लेने जो हम चाय में यूज करते हैं, वो भी इसी के साथ रोस्ट करेंगे। तो 2 मिनट इसको हो चुके हैं, तो इसको हमने अभी मिक्सिंग जार में निकाल लेना है।
तो ये तीन चार चीजें हमने रोस्ट कर ली है। इसके पहले हमने अनारदाना भी रोस्ट कर लिया था। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी डालने वाले हैं। आप सोच रहे हो कि देसी घी में चूरन कैसे बनेगा, तो जो हम इसमें हरड़ भूनने वाले हैं वो उसी तरह से फूलती है देसी घी के साथ ही। सिर्फ हमने 1 टीस्पून है जो देसी घी का ले लेना है। तो देसी घी गर्म हो चुका है, इसमें हमने जो हरड़ है उसको डाल देना है। आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी फूल जाएंगी और फूल के डबल हो जाएंगी। इसको हमने हल्के हल्के आंच पे रोस्ट कर लेना है, सिर्फ कोट ही करना है इसको, हमने डिप नहीं करना है घी में, सिर्फ कोट करेंगे और इसी के साथ ही ये फूलना शुरू हो जाएंगे। तो ये फूलना शुरू हो चुके हैं। तो जब तक ये अच्छी तरह से ठंडी होती हैं, तब तक हम इन मसालों को, जो मसाले सॉरी चूरन बनने वाला है, तो उसके मिक्सचर को हम पीस लेंगे। तो इस तरह से चूरन बन के तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। अब अनारदाने को भी पीस लेंगे। तो ये भी इस तरह से चूरन बन चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। अब सारी चीजें ये पिस चुकी है, अब हमने जो निषादर लिया था वो डाल देना है 20 ग्राम। इसी के साथ जो पिपलामेंट थी 5 ग्राम वो भी ले लेनी है, उसको तो भी डाल लेंगे। इसी के साथ हमने 20 ग्राम इसमें मिश्री डाल देनी है। तो तीनों चीजों को करेंगे मिक्स। तो इस तरह ये भी पाउडर फॉर्म में आ चुका है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल महीन पाउडर है वो, बनके तैयार हो चुका है। अब इसको इसी में हमने मिक्स कर लेना है। तो हमारा ये चूरन है बनके तैयार हो चुका है। अब जो कढ़ाई में हमने हरड़ रखी हुई थी वो भी ठंडी हो चुकी है तकरीबन, तो इसको भी डालेंगे और इसको भी पीसेंगे। बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं घी में भुनने के बाद, और इनकी जो गुणवत्ता है वो दुगनी हो जाती है। तो इसको भी हमने इसी में पीस लेना है। तो इस तरह से इसको भी खोल लेते हैं। ये भी बिल्कुल महीन चूरन है, अभी भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा है क्योंकि रोस्ट की थी हमने। इस तरह से ये भी बनके तैयार हो चुका है। तो अच्छी तरह से ये सारी चीजों को हमने मिला लेना। ये चूरन बहुत ही इफेक्टिव है फ्रेंड्स, 250 रुपए में ये सारा जो सामग्री है वो घर पे अवेलेबल हो जाती है, और 2 महीने तक ये चूरन हमारा चल जाता है। कितनी हम महंगे गैस के कैप्सूल DSR लेके आते हैं, तो उनको अगर गूगल पे सर्च करोगे तो पता चलेगा कि उनसे थोड़ा कैंसर की भी शिकायत हो जाती है, जो लगातार हम अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको मिला लेना है अच्छी तरह से, बिल्कुल एक जान कर लेना है। कांच के बर्तन में ही हमने इसको स्टोर करके रखना है, कांच के बर्तन में ही हमने इसको मिक्स करना है, कोई भी और बर्तन हम इसमें नहीं यूज करेंगे। तो इसकी इसकी लाइफ है वो बढ़ जाती है, और इसकी जो गुणवत्ता होती है, जो इसकी गुडनेस होती है, वो कांच के बर्तन के अंदर ही लॉक रहती है। तो क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेचर का असर बहुत कम पड़ता है, चाहे ज्यादा ठंडी हो चाहे ज्यादा गर्मी हो। तो इस तरह से ये चूरन है वो बनके तैयार हो चुका है।
तो अगर आप इसके टेस्ट की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि पिपलामेंट इसमें डाली है, ठंडा ठंडा मुंह में टेस्ट आएगा, अनारदाना डाला है, खट्टा मीठा हो जाएगा, मिश्री डाली है उसके साथ भी, ये कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट बैठता है। आधा आधा चम्मच है हमने जो दोनों टाइम खाने से पहले लेना है फ्रेंड, तो उससे जो आपकी जो पहले दिन से ही खट्टे डकार वगैरह आना, कोई भी आपको गैस की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम के होने के कारण ही सर में भी दर्द होता है, तो इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली हैं। तो चलिए आप भी इस नुस्खे को अपने घर पे जरूर बनाइए और ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा नुस्खा है और 1 महीने में आपकी आपकी बॉडी आपको बता देगी कि आप कितने एक्टिव हो चुके हैं, घर के कामकाज में आपका मन लगने लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।